दोस्तों इस वीडियो में देखेंगे कैसे आप पोस्ट ऑफिस पर एक ऑनलाइन जीरो बैलेंस अकाउंट खोले। यहां पर आपको मिलेगा पूरा का पूरा फीचर्स, यूपी ट्रांजैक्शन, स्कैन एंड पे, फंड ट्रांसफर, बिल पेमेंट। अगर आपके पास पोस्ट ऑफिस पर एक सेविंग्स अकाउंट ऑलरेडी है तो उस पर पैसा डाल सकते हैं, उससे पैसा रिसीव भी कर सकते हैं। इसे यूज करके, ये जो अकाउंट यूज करके आप किसी को भी पैसा सेंड कर सकते हैं, किसी से भी पैसा रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं। चलिए देखते हैं उसका स्टेप्स क्या क्या है। दोस्तों पहले आप अपने मोबाइल पर IPPB का एक मोबाइल एप्लीकेशन है, इसे प्ले स्टोर से डाउनलोड करके इंस्टॉल कर दीजिए। इसके बाद इसे ओपन करें। ओपन करते ही आपको दो ऑप्शन मिलेगा, लॉगिन और एक नया अकाउंट ओपन करने का ऑप्शन आपको मिलेगा। अगर आपके पास अकाउंट नहीं है तो आपको क्लिक करना चाहिए ओपन योर अकाउंट नाउ। इसे क्लिक करते ही आपको अगले स्क्रीन पर देना चाहिए आपका मोबाइल नंबर, पैन नंबर, ये दो ऑप्शन आपको देना चाहिए। यहाँ पर आप ओपन कर सकते हैं डिजिटल सेविंग अकाउंट, आप ओपन कर सकते हैं। मोबाइल नंबर और पैन नंबर देने के बाद आप कंटिन्यू बटन प्रेस करें। उसके बाद जो मोबाइल नंबर दिया है उस पर एक OTP आएगा, वो OTP यहाँ पर एंटर करके सबमिट बटन प्रेस करें। सबमिट बटन प्रेस करते ही अगले स्क्रीन पर आपको अपना आधार नंबर देना चाहिए। आधार नंबर आप रीएंटर भी कर दीजिए। उसके बाद नीचे दो ऑप्शन होगा, ये दो ऑप्शन आप चेक करके सबमिट बटन प्रेस करें। बेसिकली आधार रिलेटेड आप ऑथेंटिकेशन दे रहे हैं अकाउंट ओपन करने के लिए। सबमिट बटन प्रेस करते ही अगले स्क्रीन पर आधार से जो मोबाइल नंबर लिंक्ड है उस पर एक OTP आएगा, वो जो OTP यहाँ पर एंटर कीजिए। एंटर करके सबमिट बटन प्रेस करते ही आपको अगले स्क्रीन पर अकाउंट ओपनिंग फॉर्म मिलेगा। यहाँ पर आपको 5 कैटेगरी का फॉर्म फिल कर देना चाहिए। पहले मैं फिल करता हूँ अकाउंट इन्फॉर्मेशन। अकाउंट इन्फॉर्मेशन क्लिक करते ही आप देख सकते हैं पहले आपको देना चाहिए क्या आप अकाउंट स्टेटमेंट चाहते हैं, उसके बाद कौन सा मोड ऑफ डिलीवरी चाहते हैं। इसे क्लिक करके मैं सिलेक्ट करता हूँ ऑनलाइन। अगर आप चाहते हैं कि पोस्ट से आपका घर पर डिलीवर करे तो आपको चुनना चाहिए पोस्टल। मोड ऑफ डिलीवरी चुनने के बाद नीचे कुछ ऑप्शंस होगा, DBT मैपिंग मतलब डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, जो भी आपको सब्सिडी मिलता है। अगर आप चाहते हैं कि ये जो IPPB का अकाउंट पर मिले तो आपको पहले का ऑप्शन चेक कर देना चाहिए, या अगर आप चाहते हैं कि ऑलरेडी कहीं पर है DBT मैपिंग करके रखा है उसे चेंज करे तो सेकेंड ऑप्शन चुने। थर्ड ऑप्शन है, अगर आप नहीं चाहते हैं कि DBT मैपिंग चेंज करे तो आप थर्ड ऑप्शन चुन सकते हैं। लास्ट ऑप्शन है आई डोंट वांट टू रिसीव DBT, आपको DBT का जो बेनिफिट है सब्सिडी जो मिलता है वो नहीं चाहिए, तो आप जो लास्ट ऑप्शन चुन सकते हैं। इनमें से एक ऑप्शन चुनने के बाद जो टर्म्स एंड कंडीशन है उसे एक्सेप्ट करके सेव बटन प्रेस करें। सेव बटन प्रेस करते ही आप चलते हैं एडिशनल इन्फॉर्मेशन का फॉर्म पर। इसे क्लिक करते ही पहले आपको चुनना चाहिए कौन सा नेशनलिटी है, उसके बाद क्या आप मैरिड है। यहाँ पर आप अपना मैरिटल स्टेटस चुने। उसके बाद आपको चुनना चाहिए ऑक्यूपेशन टाइप मतलब आप क्या करते हैं। उसके बाद ग्रोस एनुअल इनकम ये भी यहाँ पर लिखे। उसके नीचे आप देख सकते हैं एजुकेशन लेवल भी आपको मेंशन करना चाहिए। अगर आप पॉलिटिकली एक्सपोज्ड पर्सन है तो उसे भी यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। इतना फिल करने के बाद आप प्रेस करें सेव बटन। सेव बटन प्रेस करते ही अब आपको चुनना चाहिए नॉमिनी डिटेल्स का जो फॉर्म है उसे फिल कर देना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि नॉमिनी ऐड करें, आपका डेथ के बाद ये जो अकाउंट का बेनिफिट किससे मिलना चाहिए वो यहाँ पर आप मेंशन कर सकते हैं, उसे कहते हैं नॉमिनी। अगर आप चाहते हैं तो यस प्रेस करके उसका नाम, डेट ऑफ बर्थ, रिलेशनशिप क्या है, ये तीनों आपको मेंशन कर देना चाहिए। अगर नॉमिनी और आपका एड्रेस सेम है तो यहाँ पर चेकबॉक्स है उसे आप चेक कर सकते हैं। नॉमिनी डिटेल्स एंटर करने के बाद सेव बटन प्रेस करें। सेव बटन प्रेस करते ही अब आपको फिल करना चाहिए पर्सन इन्फॉर्मेशन का फॉर्म। इस पे पहले आता है आपका मदर का मेडन नेम, हस्बैंड या वाइफ का नाम, मदर्स नेम, फादर्स नेम। उसके नीचे आता है ईमेल आईडी और KYC प्रकार से आपका नाम क्या है और पैन नंबर क्या है, इतना आपको मेंशन कर देना चाहिए। ये जो डिटेल फिल करके आप सेव बटन प्रेस करें। सेव बटन प्रेस करते ही पैन एंड एड्रेस कम्युनिकेशन का जो फॉर्म है इसे भी आपको फिल कर देना चाहिए। पैन एंड कम्युनिकेशन पर आप देख सकते हैं आपको परमानेंट एड्रेस दिखेगा,
कम्युनिकेशन एड्रेस सेम एज परमानेंट एड्रेस, इसे भी आप चेक कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि फॉर्म 60 का डिक्लेरेशन करें, उसे भी आप चेक कर सकते हैं। ये तीनों आपको मेंशन करने के बाद सेव बटन प्रेस करें। सेव बटन प्रेस करते ही आप देख सकते हैं पूरा का पूरा 5 अकाउंट ओपनिंग फॉर्म्स फिल हो चुका है। इतने पे आप प्रेस करें कंटिन्यू बटन। कंटिन्यू बटन प्रेस करते ही मोबाइल बैंकिंग, SMS बैंकिंग, मिस कॉल बैंकिंग ये सब चाहिए तो आप टिक करके जो नीचे जो कन्फर्मेशन आपको आया है उसे आप कन्फर्म कर दीजिए। कन्फर्म बटन प्रेस करते ही एक OTP आएगा। सही तरीके से OTP यहाँ पर एंटर करके आप सबमिट बटन प्रेस कर दीजिए। सबमिट बटन प्रेस करते ही सक्सेस मैसेज दिखाएगा आपको, आपका कस्टमर आईडी क्या है, अकाउंट नंबर क्या है यहाँ पर आपको दिखाएगा। यहाँ पर आपको प्रेस कर देना चाहिए गो टू होम बटन और उसके बाद होम स्क्रीन पर आप प्रेस करें लॉग इन नाउ बटन। लॉगिन नाउ प्रेस करते ही आपसे पूछेगा अकाउंट नंबर, कस्टमर आईडी, डेट ऑफ बर्थ और मोबाइल नंबर। इतना डिटेल्स देकर आप रजिस्टर बटन प्रेस करें। रजिस्टर बटन प्रेस करते ही पहले आपको सेट कर देना चाहिए आपका MPIN, मतलब ये जो एप्लीकेशन ओपन करने के लिए हर टाइम ओपन करने के लिए एक पिन है उसे बोलते हैं MPIN। इसे आप सेट कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। MPIN री एंटर करके उसे कंफर्म भी कर दीजिए। सेट MPIN प्रेस करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर भी आपको एक OTP आएगा। OTP यहाँ पर एंटर करके ये जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है सक्सेसफुली कम्प्लीट हो जाएगा। उसके बाद आप लॉगिन बटन प्रेस करें। लॉगिन बटन प्रेस करके आपको देना चाहिए MPIN। आप देख सकते हैं IPPB मोबाइल एप्लीकेशन का जो होम स्क्रीन है वहां पर आप पहुंच जाओगे। पहले आपको दिखेगा कितना है बैलेंस, उसके नीचे आप देख सकते हैं क्या क्या सर्विस, क्या क्या फैसिलिटीज अवेलेबल है ये जो IPPB का मोबाइल एप्लीकेशन पर सब दिखेगा। पहले कुछ अमाउंट ये जो एप्लीकेशन पर ऐड करके देखते हैं। उसके लिए कई ऑप्शंस अवेलेबल है, आप फंड ट्रांसफर कर सकते हैं या रिक्वेस्ट मनी उसे भी आप यूज कर सकते हैं। रिक्वेस्ट मनी आप क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हैं आपसे पूछेगा कौन सा ऑप्शन आपको चाहिए। यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ भीम UPID। भीम UPID यूज करके मैं किसी से मनी इस अकाउंट पर सेंड करने के लिए रिक्वेस्ट करता हूँ। किससे आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं वो यहाँ पर लिखे। लिखने के बाद वेरीफाई भी कर दीजिए। वेरीफाई करने के बाद कंटिन्यू बटन प्रेस करें। उसके बाद कितना अमाउंट चाहिए और क्या है रिमार्क ये दोनों स्पेसिफिक करके कंटिन्यू बटन प्रेस करें। उसके बाद कंफर्म भी कर दीजिए। इतने पे आप देख सकते हैं रिक्वेस्ट क्रिएट हो चुका है और मेरा ही एक UPID है। गूगल पे मैं यूज करता हूँ, SBI रिलेटेड एक UPID है। गूगल पे ओपन करके मैं उसे अप्रूव करता हूँ, UPPIN देकर उसे अप्रूव करता हूँ। गूगल पे पे सक्सेसफुल ट्रांसैक्शन होने के बाद आप देखिए IPPB का जो एप्लीकेशन है उसे आप रिफ्रेश करें। रिफ्रेश करते ही आप देख सकते हैं जो आपने रिक्वेस्ट किया था वो जो अमाउंट रिफ्लेक्ट हो चुका है। यहाँ पर व्यू स्टेटमेंट का एक लिंक है, इसे क्लिक करते हैं तो इस पे पूरा का पूरा डिटेल्स आ जाता है। ब्रांच नेम, IFSC कोड, लास्ट 10 ट्रांसैक्शंस ये सब आप देख सकते हैं। IPPB का जो मोबाइल एप्लीकेशन है ये जो एप्लीकेशन यूज करके आप रुपए का डेबिट कार्ड भी आप पा सकते हैं, मगर ये एक वर्चुअल डेबिट कार्ड है, इसे फिजिकल ना समझे, वर्चुअल डेबिट कार्ड आप पा सकते हैं। इसके लिए आप रुपे डेबिट कार्ड क्लिक करके आपको सेलेक्ट करना चाहिए वर्चुअल डेबिट कार्ड। इसे क्लिक करने के बाद आप रिक्वेस्ट वर्चुअल डेबिट कार्ड प्रेस करें। यहाँ पर कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है उसे भी एक्सेप्ट कर दीजिए। आपका अकाउंट से 25 रुपीज डिडक्ट किया जाएगा ये जो वर्चुअल डेबिट कार्ड के लिए। 60 मंथ का वैलिडिटी लिखा है। टर्म्स एंड कंडीशन एक्सेप्ट करते ही कंटिन्यू बटन इसे प्रेस करते हैं तो अगले स्क्रीन पर कंफर्मेशन आएगा, इसे आप कंफर्म कर दीजिए। कंफर्म करते ही आपका वर्चुअल डेबिट कार्ड के लिए एक OTP आएगा, उसे भी आप एंटर कर दीजिए। बस इतने पे आपका जो वर्चुअल डेबिट कार्ड है सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है। दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि किसी को पैसा सेंड करें तो कई ऑप्शंस अवेलेबल है। UPI का ऑप्शन अवेलेबल है, स्कैन एंड पे का ऑप्शन अवेलेबल है, फंड ट्रांसफर का फैसिलिटी अवेलेबल है। अगर आप चाहते हैं कि फंड ट्रांसफर करें आप प्रेस करें फंड ट्रांसफर। फंड ट्रांसफर पर एक न्यू बेनिफिशियरी आपको ऐड करना चाहिए। न्यू बेनिफिशियरी क्लिक करते ही आपको कई ऑप्शंस आएगा। अकाउंट नंबर प्लस IFSC कोड से भी आप फंड ट्रांसफर कर सकते हैं या मोबाइल नंबर प्लस MMID से भी आप फंड ट्रांसफर कर सकते हैं या IPPB ऐसे ही कई अकाउंट्स को भी आप फंड ट्रांसफर कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि अकाउंट नंबर और IFSC कोड यूज करके फंड ट्रांसफर करें आपको देना चाहिए बेनिफिशियरी नेम, अकाउंट नंबर,
आईएफएससी कोड इतना देखकर अगले स्क्रीन पर कितना अमाउंट आप ट्रांसफर करना चाहते हैं उसे भी आप प्रेस करके आपका जो अमाउंट है उसे ट्रांसफर कर सकते हैं। इस तरह से अकाउंट खोलने के लिए आपको प्राइमरी कंसर्न होता है आपका आधार एक मोबाइल नंबर से लिंक होना चाहिए ताकि उस पर ओटीपी वेरिफिकेशन हो सके। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो में देखा कैसे आप पोस्ट ऑफिस पर एक डिजिटल सेविंग अकाउंट खोले। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर शेयर करें एंड डू सब्सक्राइब चैनल। थैंक यू। जय हिंद। वंदे मातरम।